जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। भाभी जी, मैं हमेशा से बोलता था कि दोपहर 2 बजे आऊंगा, सो मैं आया, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं 1:30 बजे आऊंगा। तो अब से मुलाकात दोपहर 1:30 बजे होगी। क्यों भाभी, शौक लग गया ना? टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। बांग्लादेश में ईद की नमाज के दौरान हुआ बम धमाका। आतंकी हमले की आशंका के चलते हिंदुस्तान में हाई अलर्ट। भारत के पड़ोसी मुल्कों में हालात तेजी से बदल रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में पिछले कुछ महीनों में आतंकी वारदात में तेजी आई है। हर आतंकी हमले के साथ ही हिंदुस्तान पर खतरा बढ़ता जा रहा है। सरहद पार छिपे सैकड़ों आतंकी भारत में घुसपैठ का इंतजार कर रहे हैं, जबकि सुरक्षा बलों की तमाम चौकसी को धता बताकर भारत में घुस चुके हैं कई खूंखार आतंकी। खुफिया एजेंसियां लगातार आतंकी हमले का अलर्ट भेज रही हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई तक मंडरा रहा है आतंकी हमले का खतरा। पंजाब हो या कश्मीर, गुजरात हो या पश्चिम बंगाल, हर जगह है आतंकियों के निशाने पर। ग्रह नक्षत्र और तारे सितारे भी दे रहे हैं अशुभ संकेत, ज्योतिषी भी दे रहे हैं अनिष्ट की चेतावनी। आने वाले कुछ महीने पड़ सकते हैं हिंदुस्तान पर भारी। इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम सुसाइड बॉम्बर्स का उपयोग करेगा ISI। क्या आतंक और आतंकियों के जाल में घिर गया है भारत? सिर पर मंडराते इस खतरे से कैसे निपटेगा हिंदुस्तान? देखिए आतंकी चक्रव्यूह में हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। खबरों में खास में आज बात हिंदुस्तान को घेरते आतंकी चक्रव्यूह की। पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या अफगानिस्तान, तीनों देश आतंकवाद की आग में झुलस रहे हैं, और इन देशों का आतंकवाद भारत के लिए भी खतरा बन गया है। साथ ही साथ ISIS भी हिंदुस्तान को दहलाने का दावा कर रहा है। खुफिया एजेंसियों ने कश्मीर, पंजाब, दिल्ली से लेकर गुजरात और मुंबई तक में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। ग्रह नक्षत्रों की दशा देखकर भविष्य बताने वाले ज्योतिषी भी कह रहे हैं कि अगले कुछ महीने भारत पर भारी खतरा है। तो क्या हिंदुस्तान वाकई में आतंक के चक्रव्यूह में घिर गया है? ये हम आपको दिखाएंगे। खासतौर पर ये धमकी इसीलिए भी गंभीरता से ली जा रही है क्योंकि हैदराबाद में ISIS के एक मॉड्यूल को पकड़ा गया। इस मॉड्यूल के पकड़े जाने के बाद बांग्लादेश में ISIS की धमक देखने को मिली। हालांकि बांग्लादेश सरकार इससे इनकार करती रही, लेकिन इसके बावजूद ISIS लगातार आतंकियों के साथ उसके संबंध होने के सबूत पेश करता रहा। यानी ISIS अपनी धमक जताने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश के बाद भारत भी ISIS के निशाने पर है। ISIS के आतंकियों ने इसके लिए बकायदा वीडियो बनाकर, जो प्रोपेगेंडा वीडियो ISIS की तरफ से बनाए जाते हैं, उनमें धमकी भी भारत को दी है। और इन धमकियों में दिख रहे युवा कोई और नहीं, भारत से ही जाकर ISIS में शामिल हुए आतंकी हैं। इनका कहना है ये भारत वापस लौटेंगे और भारत को दहला देंगे। इस बीच कई ज्योतिषी इस तरह के दावे भी कर रहे हैं कि आने वाले दिन ग्रह नक्षत्रों के मुताबिक भारत के लिए अशुभ संकेत दे रहे हैं, और यह तक दावा किया जा रहा है कि ISIS पहली बार सुसाइड बॉम्बर्स का इस्तेमाल आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए कर सकता है। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट, किस तरह से हिंदुस्तान वाकई क्या आतंक के चक्रव्यूह में घिर रहा है, यह सवाल क्यों खड़ा हुआ इस रिपोर्ट में। July 6, 2016, ईद के आसपास मुंबई में आतंकी हमले की आशंका। July 4, 2016, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले का अलर्ट। July 4, 2016,
पंजाब में हथियार और विस्फोटकों से भरी तीन गाड़ियों की तलाश। देश के कई राज्य और शहर आतंकवादियों के निशाने पर हैं। सीमा पार से घुसे आतंकी देश के अलग अलग हिस्सों में छिपे हुए हैं और हमले के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि आतंकवादी भारत में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। दो दिन पहले ही खुफिया एजेंसियों ने तीन संदिग्ध गाड़ियों की तलाश के लिए अलर्ट जारी किया था। 4 जुलाई को पंजाब पुलिस की तरफ से जारी अलर्ट में इन तीनों गाड़ियों के नंबर भी लिखे हैं। तीन संदिग्ध गाड़ियों में आतंकवादी सवार होकर जम्मू से दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। पहली गाड़ी है महिंद्रा बोलेरो, इसका नंबर है PB0812। दूसरी गाड़ी है रेनो कार, जिसका नंबर है PB06Y9700। और तीसरी है मारुति स्विफ्ट डिजायर, जिसका नंबर है JK08AB2654। इसके बाद जगह जगह नाकेबंदी कर संदिग्ध आतंकवादियों की तलाश तेज कर दी गई है, लेकिन अभी तक इन तीनों गाड़ियों और उनमें सवार आतंकियों का सुराग नहीं मिल पाया है। साफ है ये आतंकी कहीं छिपे हुए हैं और माहौल शांत होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि सही वक्त आने पर अपनी नापाक साजिश को अंजाम दे सके। 4 जुलाई को ही खुफिया एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया था, जिसके मुताबिक सीमा पार से घुसे आतंकी ईद के मौके पर जम्मू कश्मीर की अहम जगहों, सुरक्षा बलों के ठिकानों और भीड़ भाड़ वाले बाजारों को निशाना बना सकते हैं। साथ ही ईद के आसपास मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में भी आतंकवादी हमलों का अलर्ट है। मुंबई की जो खुफिया एजेंसी है उन्हें जानकारी मिली थी कि आतंकवादी हमले हो सकते हैं और इसी को लेकर मुंबई पुलिस जो है वो सजग हो गई है। जगह जगह चाक चौबंदी की गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसी के साथ जो लोग हैं उनसे अपील किया गया है कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु उन्हें दिखाई दे तो वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करे। केंद्र और राज्य सरकारें खुफिया एजेंसियों के अलर्ट को गंभीरता से ले रही है। संवेदनशील स्थानों पर पूरी चौकसी बरती जा रही है, लेकिन अभी तक सुरक्षा एजेंसियों के हाथ कुछ कामयाबी नहीं लगी है। आतंकवाद एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता। पिछले कुछ हफ्ते में हम देखे हैं कितने सारे हद से हुए हैं। खुफिया एजेंसियों के साथ साथ ग्रह नक्षत्र और तारों की दशा को पढ़ने समझने वाले जानकार, जिन्हें हम ज्योतिष कहते हैं, वो भी भारत पर बड़े खतरे की आहट की चेतावनी दे रहे हैं। भविष्यवक्ता अनुपम कपिल का कहना है कि भारत की ग्रह दशा फिलहाल ठीक नहीं चल रही है। भारत की जितनी भी कुंडली है, दशांश देखो, नवमांश देखो, त्रिशमांश, अष्टांश, अष्टांश, सभी कुंडलियों में राहु, केतु, मंगल इन प्लैनेट्स का और शनि इन प्लैनेट्स का हैवी एफ्लिक्शन है। मतलब देश की जनता के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अनुपम कपिल का दावा है कि उन्होंने 1999 में न्यूयॉर्क में हुए 9/11 अटैक और नवंबर 2015 में पेरिस में हुए आतंकी हमले की भविष्यवाणी की थी। नवंबर 2015 में IBN 7 के खास शो में आपने कपिल को साफ कहते हुए सुना होगा कि आने वाले दिनों में आतंकी टर्की को निशाना बना सकते हैं। और 28 जून को टर्की की राजधानी इस्तांबुल के एयरपोर्ट पर आतंकी हमले में 40 से ज्यादा लोग मारे गए थे। देखो, नेपल, सिसिली, सेज, पोंसे और जर्मनी के अंदर राइन और कोलोन के इधर काफी डैमेज होने वाला है। सेक्रेड मॉन्यूमेंट्स जो आर्ट और रिलीजन के डिस्ट्रॉय करेंगे और नॉस्ट्राडेमस कहते हैं फ्रेंच मैन जब पोप बनेंगे, अभी तक 1300 AD के बाद कोई पोप नहीं बना है। और टर्की के अंदर वॉर होने वाला है। चलिए, मुझे लगता है कि इसको और थोड़ा डिटेल में समझ। अब अनुपम कपिल जो भविष्यवाणी कर रहे हैं वो बेहद डराने वाली है, क्योंकि उनकी भविष्यवाणी हिंदुस्तान से जुड़ी है। अनुपम कपिल का कहना है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना भारत के लिए भारी साबित हो सकता है। अनुपम का कहना है कि इस दौरान
बड़े आतंकी हमले हो सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो परेशानी जो है 13 जुलाई से शुरू हो रही है, शनिवार का दिन अनुराधा नक्षत्र 16 और 17 जुलाई, ये एक डेंजरस डेट है। फिर सबसे ज्यादा क्रूशियल पीरियड होगा 13 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा इसके अंदर अगर इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम सुइसाइड बॉम्बर्स का जो है उपयोग करेगा ISIS। देवी के मंदिर और विष्णु के मंदिर, इनके ऊपर ये खास टारगेट में रहने वाले हैं इनके, तो हमें सिक्योरिटी बीफ अप करनी चाहिए। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट और भविष्यवक्ताओं के दावों की अनदेखी नहीं की जा सकती, क्योंकि बीते कुछ दिनों में पूरी दुनिया में आतंकियों ने एक के बाद एक कई दिल दहला देने वाली वारदातों को अंजाम दिया है। खासतौर पर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में आतंकियों ने एक के बाद एक कई दिल दहलाने वाली वारदात की है। खबरों में खास में हम बात कर रहे हैं आतंक के चक्रव्यूह की, जो धीरे धीरे भारत को अपने शिकंजे में कस रहा है। कुछ दिन पहले ही ISIS के भारतीय आतंकियों ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने भारत को निशाना बनाने की धमकी दी थी। वहीं 3 दिन पहले अलकायदा के भारतीय प्रमुख ने भी IS और IPS अधिकारियों को निशाना बनाने का फरमान जारी किया। वहीं पाकिस्तान में बैठे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकी सरगना आए दिन हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। दिया चीख रहा था पामपुर के अंदर, हमारी सेना हमारे सूर में बड़ी बसें अपनी ट्रेनिंग से आ रही थी। कहते तो आतंकवादियों ने घेर लिया, दो शेरों ने कीदड़ों के कॉन्वॉय को घेर लिया। ये है आतंकी संगठन लश्करे तैयबा के मुखिया हाफिज सईद का साला अब्दुल रहमान मक्की, जो पाकिस्तान में खुलेआम पंपोर में CRPF जवानों पर हमला करने वाले आतंकियों की शान में कसीदे पढ़ रहा है। हम आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन तलवार लेकर आएंगे, तुम सबको जबह करने आएंगे। हम बाबरी मस्जिद का बदला लेने आएंगे, हम गुजरात के, कश्मीर के और मुजफ्फरनगर के मजलूमों का बदला लेने आएंगे। शेबे दुनिया के ऐ असीरों, फराज तुमको बुला रहा है। ये है ISIS के वो आतंकी जो भारतीय हैं और इस वीडियो में भारत में आतंकी हमले करने की धमकी दे रहे हैं। उनका कहना है कि वो जल्दी ही भारत आएंगे और मुसलमानों के साथ हुए अन्याय का बदला लेंगे। भारतीय मुसलमान आगे आएं और यूरोप की तर्ज पर भारत में IS और IPS अफसरों को निशाना बनाएं। और ये धमकी दी है भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा के प्रमुख असीम उमर ने। उमर ने मुस्लिम नौजवानों को ISIS की तर्ज पर लोन वुल्फ की तरह हमले करने को कहा है। इन बयानों और धमकियों से साफ है कि कई आतंकी संगठनों की बुरी नजर हिंदुस्तान पर है, खास तौर पर पाकिस्तान में छिपे बैठे लश्कर प्रमुख हाफिज सईद और जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर हर वक्त भारत की तबाही की साजिश रचते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मैदान के लोग हैं, हमने हमेशा इनका मुकाबला सामना किया है। कश्मीर में हमने इंडिया की फौज को देखा है, अफगानिस्तान में हमने अमरीकी फौज को अल्लाह के फजल से देखा है। भारत को दहलाने वाले आतंकी संगठनों को पाकिस्तान में खुली छूट मिली हुई है। कुछ दिन पहले ही रमजान के दौरान कराची की एक मस्जिद के बाहर जैश ए मोहम्मद के आतंकी खुलेआम भारत के खिलाफ जिहाद के लिए चंदा मांगते नजर आए। हिंदुस्तान की आज आजादी फौज के खिलाफ बरसरे फिकर मुजाहिदीन जैश ए मोहम्मद के साथ माली तावना करते हुए जाइए। हिंदुस्तान की आज आजादी फौज के खिलाफ बरसरे फिकर मुजाहिदीन जैश ए मोहम्मद के साथ माली तावना करते हुए जाइए। हिंदुस्तान चारों तरफ से आतंकियों से घिरता जा रहा है, कहीं लश्कर और जैश के आतंकियों का खतरा है तो कहीं ISIS और अलकायदा के आत्मघाती हमलावरों का खौफ। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।